जय हिंद साथियों, मैं हौलदार चंदन पांडे, पूर्व NSG कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारा एकेडमी बिहार के पटना शहर के गांधी मैदान, बिस्कोमान और SBI के ठीक बगल में गेट नंबर 1 वहां पे है, और बिहार के आरा शहर के जैन कॉलेज और दूसरा ब्रांच है वहां पे नियर हवाई अड्डा। तो आप कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये खास वीडियो मेरा बिहार SI जो बच्चे 1275 पद के लिए मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको बधाई हो। आपका एडमिट कार्ड जो आ गया है, मेंस का एडमिट कार्ड आ चुका है, और मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए। आपका फिजिकल कब होगा इस वीडियो में बने रहिएगा, हम बताएंगे, और आपको तैयारी कैसे करना है। अगर आपको अभी से अगर आपको ड्रीम है ना कि कंधे पे डबल स्टार लेना है, आप पहले दरोगा में पास थे फिजिकल में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप पिछली बार मेंस में अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी आपका रनिंग के चलते दौड़ नहीं बना, हम इसके बारे में बात करेंगे। और आपका फिजिकल कब होगा, किस डेट को होगा, ये फिक्स हुआ है। और मेंस के जो PT का रिजल्ट आया था, उससे पहले ही हमने बता दिया था कि बिफोर 26 तारीख को आ जाएगा, तो 25 तारीख को आया था। उसके बाद इसके एडमिट कार्ड के लिए भी बताया था कि मेंस कब होगा, और देखिए लगभग डेट वहीं फिक्स हुआ। और उसके बाद अभी रिजल्ट आपका कब आएगा मेंस का, उसके बाद आपको कितने दिन दिया जाएगा, सटासट जो बोलते हैं ना एकदम चट मंगनी पट ब्याह, हमारे जो पूर्व उप मुख्यमंत्री बोलते थे ना चट मंगनी पट ब्याह वाला हाल, कि एकदम तुरंत मेंस, तुरंत रिजल्ट और तुरंत एक डेट जारी किया जाएगा आपके फिजिकल के लिए। तो अब वीडियो में बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। गर्दनी बाग में मंडे के दिन आपका टाइमिंग लगेगा, जो भी दरोगा अभ्यर्थी हैं एक बार आके अपना वहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं कि आपको 1600 मीटर में कितना टाइम लग रहा है। आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गर्दनी बाग में सोमवार को दरोगा अभ्यर्थियों का एग्जाम से पहले एक ट्रायल होगा कि कितना मिनट में आप टाइमिंग मारते हैं, देख लीजिएगा आके, ठीक है, टाइमिंग लगेगा। हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों की, 25 तारीख है जिनका मेंस है, मेंस की तैयारी करते रहिए। अपना जो मैथ, रीजनिंग और GK GS, ये आपका बेसिक है। आप देखिए कि तीनों चीज़ में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसको रिवीजन के तौर पे कीजिए, और सेट कम से कम दिन भर में एक लगाइए। उसके बाद जो मैथ है आप प्रीवियस ईयर का देख लीजिए, और किसी पब्लिकेशन जैसे चक्षु पब्लिकेशन का आता है, या किरण का भी आता है, या पटना GS एकेडमी का, या अपना ज्ञान बिंदु का, इन चारों को देख लीजिए एक बार मैथ को, लेकिन के जो इन्होंने सेट निकाला हुआ है उन्हीं मैथ को देख लीजिए, उतना मैथ आपको काफ़ी है। उसके बाद रह गया रीजनिंग, तो रीजनिंग का कोई सीमा नहीं होता, फिर भी आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं कि क्या एक बेस था रीजनिंग का, लेकिन GK GS पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई को करते रहिए। मैं आपको इतना प्रोमिस कर रहा हूँ कि अगर आप समय से हमारे पास आते हैं, समय से, तो आपके कंधे के ऊपर स्टार लगाने की मेरी जिम्मेदारी है। आप अपना मेंस निकालिए, मैं आपका फिजिकल निकाल के दूंगा, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैं प्रॉमिस क्यों करता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं एक NSG कमांडो, NSG ट्रेनर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि किस बच्चे के साथ कैसे उनको लेके आएंगे लाइन पे कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मेरे पास पहले भी बहुत सारे बच्चे आए और फिजिकल क्वालिफाई करके चले गए। फिजिकल के लिए टेंशन ना लीजिए, लेकिन थोड़ा समय से आएंगे तब आपका जो मेंस का रिजल्ट है वो बिफोर 10 तारीख यानी 10 मार्च के पहले, 7 तारीख जो बता रहे हैं, प्राप्त जानकारियों के हिसाब से पता चल रहा है कि 7 मार्च को आपका रिजल्ट आने की संभावना है, 7 या 10, वो 10 बता 7 बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 7 से 10 के बीच में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। और जो गर्दनी बाग जो ग्राउंड है वो 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक अलॉटमेंट हुआ है, 27 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक, 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक अलॉटमेंट हुआ है, तो इसी के बीच में आपका फिजिकल 2 या 3 दिनों में ले लिया जाएगा। वार्षक 72 लगभग 7200-7300 करीब में बच्चे होंगे जिनका फिजिकल आराम से 3 से 4 दिनों के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है, क्या गर्दनी बाग में बार बार जाके आप परेशान होते हैं, क्या अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी आपका मेंस में फिजिकल की वजह से आपका नौकरी नहीं लगता है, तो ये कमी आप में है, क्योंकि आपने कमज़ोर पॉइंट को अभी तक पकड़ा नहीं है। कमज़ोर पॉइंट को पकड़िए, आपका कमज़ोर पॉइंट क्या है। कोई भी बैट्समैन होता है उसको, या कोई भी किसी भी फील्ड का जो प्लेयर होता है, वो देखता है कि मैं स्ट्रेट ड्राइव सही मार पा रहा हूँ, या कवर ड्राइव मार पा रहा हूँ, या हुक नहीं मार पा रहा हूँ, या लॉन्ग ऑफ में मार रहा हूँ, या लॉन्ग ऑन में मार रहा हूँ। ये सारे अपने आप को आपको साबित ढूंढना है अपने आप में कि मेरा कमज़ोर पॉइंट क्या है। मैं कहीं बाउंसर पर आउट तो नहीं हो जा रहा हूँ,
क्या मैं गुड लेंथ की बॉल पे तो आउट नहीं हो जा रहा हूँ, क्या मैं यॉर्कर पे तो आउट नहीं हो जा रहा हूँ। तो ये खुद अपने आप में एक माइंड को सेट करना पड़ेगा, खुद अपने आप को एकदम महना पड़ेगा। जैसे दही में मखनी महते हैं ना, वैसे अपने आप को महना पड़ेगा कि मेरा कमजोर पॉइंट क्या है, मेरा वीक कहाँ है। उस वीक के ऊपर ध्यान देना है, उस वीकनेस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। आप दोनों जगहों पे आइएगा संस्था में, आपको भरपूर मात्रा में तैयारी कराया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सारे लोगों ने दिल्ली पुलिस का एडमिशन लिया था, सारे लोगों ने कराया था, लेकिन हमने रिजल्ट दिया था, हमने रिजल्ट दिया। रिजल्ट के लिए हम जाने जाते हैं और रिजल्ट के लिए हम माने जाते हैं। तो देखिए ऐसा है कि 6.5 मिनट का दौड़ कोई आसान चीज़ नहीं होता है, 6.5 का दौड़ कोई आसान नहीं होता है। अगर आप सोचिएगा कि नहीं हम जाएंगे और वहाँ पर मार देंगे, हाथ मार देंगे, तो आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे CPO में भी बच्चे फेल होते हैं, जो कि यो यंग होते हैं, आपसे यंग होते हैं, आपसे उनका उम्र कम लिया जाता है, वहाँ भी बच्चे फेल होते हुए मैंने देखा है। अभी दिल्ली पुलिस में भी मैंने यंग बच्चों को फेल होते हुए भी देखा। बिहार SI में भी मैंने 2213 में, 2446 में, 64 पद में यंग लड़कों को फेल होते हुए भी देखा। तो अगर आपका उम्र है, थोड़ा सा उम्र क्रॉस कर चुका है, आप 30 प्लस हो चुके हैं, तो थोड़ा समय आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि आपको अभी से कम एक समय आपको फिजिकल के ऊपर अपना देना पड़ेगा। ये मेरे से लिख के ले लीजिए। अगर आपका मेंस अच्छा है तो आप 1 घंटा फिजिकल के ऊपर दीजिए, और नहीं तो 25 तारीख को एग्जाम खत्म होगा तो 26 तारीख से मेरे भैया दोनों टाइम आपको ग्राउंड पकड़ना पड़ेगा। उसमें आपका पैर भी क्रैम्प कर सकता है, उसमें आपको इंजरी भी हो सकता है, उसमें आपको तरह तरह की परेशानियाँ भी हो सकती है, तो उसमें आपको बचना भी। तो ऐसे ट्रेनर के पास जाइएगा जो आपको इंजरी से भी बचा ले, जिसको कुछ ज्ञात हो इस फील्ड का। जैसे आप उसी टीचर के पास पढ़ने गए थे ना जिसको कुछ ज्ञात था, जैसे आप गए कि चलो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, ये इनको अच्छा नॉलेज है, इन्होंने प्रीवियस में दरोगा क्वालिफाई किया है, इन्होंने प्रीवियस में दरोगा निकाला है, उसी के पास गए थे ना आप। तो ऐसे ही आप फिजिकल के लिए भी जाइएगा जिसको कुछ इस फील्ड का नॉलेज हो। तो कमर कस लीजिएगा, 25 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में आपका फिजिकल कभी भी अलॉटमेंट हो सकता है। 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपके रिजल्ट की घोषणा हो सकता है मेंस का, उसके बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कमर कस लीजिए, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है, समय हमारे पास भी नहीं है। अगर रिजल्ट चाहते हैं तो भोजपुर फिजिकल एकेडमी, जो रिजल्ट के लिए माना जाता है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री कहते हैं, आइए, आपका स्वागत है। हम आपका, आप मुझे मेंस दो, मैं आपका वर्दी दिला के मानूंगा। थैंक यू। जय हिंद।